अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सतारा थिएटर गजुमता में। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट जिन्होंने शोबीज़ में काफ़ी अरसे से काम किया है। आइए इनसे जानते हैं ये जो मौजूदा प्ले है दिल लेगी चोरनी, इसमें इनका क्या करदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम? रूपचट। रूपचट। अच्छा रूप, मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो ड्रामा है दिल लगी चोरनी, इसमें आपका क्या किरदार है? मेरा इसमें गांव का किरदार है, यानी गांव से मैं आई हूँ तो अपने मंगेतर को ढूंढ रही हूँ, ये किरदार है। और जो बस जुगत वगैरह जो होती, जो बीच में जो मतलब कोऑपरेट हम एक दूसरे के साथ करते हैं ताकि हमारी पब्लिक जो है अच्छी रहे, अच्छा इन्जॉय करके जाए। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये ड्रामे के जो साइड इफ़ेक्ट है लोगों पर, किस तरह आपको लगता है कि लोगों पर के लिए ये सबक के लिहाज से बेहतर है, किस लिहाज से ये ड्रामा यानी कि बेहतर है? हमारे ड्रामे में तो ये लिहाज है कि हम लोग ड्रामा करते हैं, कुछ तो स्टोरीज होती है उसमें कि पब्लिक को सिखाने के लिए आवाम को कि ये कुछ हो रहा है, और कुछ ये है कि हम उनको ये बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बुरा है। लेकिन कुछ पब्लिक होती है जो बुरे को यानी कि देखती है और उसको ही जजमेंट करती है, उसी को ही फॉलो करती है और आगे भी वही कुछ करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी एक्टरों की यही कोशिश होती है कि हम अपनी पब्लिक को, अपने पाकिस्तान को यानी उनको अच्छा बेनिफिट करें, उनको अच्छा कुछ सिखाएँ समझाएँ। अच्छा, मुझे ये लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि जो मौजूदा सूरत हाल यानी कि कोरोना जब था तो उसमें आपके क्या यानी कि आपको किस तरह की मुश्किलात पेश आई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ंड दिया गया या नहीं दिया गया, किस तरह यानी कि आपने काम तो बंद था, सारी बात आर्टिस्टों का, जितने भी लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के लगा लें आर्टिस्ट सबका काम बंद था, कईयों को गवर्नमेंट ने फ़ंड दिए कईयों को नहीं दिए, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो अब इमरान खान को ही पता हो, जाहिर उसको तो पता है कि अब मेरी आवाम है, अगर मैं हम सारी आवाम मिलके उसको सपोर्ट करते हैं तो वो मतलब अपने काम में कामयाब होते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ठीक काम कर रहे हैं? देखने में तो ठीक भी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को हम खूबसूरत बनाना चाहें तो हम ये भी नहीं सोचेंगे कि हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को जो कुछ हो, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर मेरे घर वालों को कुछ हो तो, अभी समझे कि हम उसकी फैमिली हैं और पाकिस्तान बचाना ये उनका ही जो काम है, जिम्मेदारी, और बड़ी मेहनत से वो भी कर रहे हैं। बाकी मैं उसको बुरा भी नहीं बोलती हूँ, अच्छे हैं जैसे भी हैं। जैसे भी हैं यानी कि अच्छे हैं आपके लिए आज से। इमरान खान साहब इस वक्त काम वैसे ठीक कर रहे हैं? कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई है तो महंगाई का काम आपके लिहाज से अच्छा है? महंगाई का काम तो जाहिर है किसी के भी लिहाज से अच्छा नहीं, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे करोड़पति भी होगा तो उसका भी, वो भी यही चाहेगा कि हर चीज़ मुझे ना प्रॉफिट में अच्छे प्राइस में मिल जाए, कम से कम ही हो जाए ताकि। अच्छा, ये ड्रामे लग रहे हैं, गवर्नमेंट ने एस ओ पी जारी की है आपके ड्रामा जो आपका दिल लगी चोरनी है ड्रामा, तो ये एस ओ पी पर इस पर पूरी तरह अमल दरामद हो रहा है? जी माशाल्लाह, हमारे थिएटर में पब्लिक भी बहुत आ रही है और ड्रामे की कास्ट भी बहुत अच्छी है, मेन एक्टर रानी जी है, लड़कियों में से रूपचट है यानी कि मैं, आलिया भट्ट है, और हमारी और भी बहुत अच्छी जो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं दुराने ड्रामा आपका, इनके साथ बिहेवियर कैसा रहा है और बाकियों का आपके साथ बिहेवियर कैसा रहा? ये ड्रामा लाइन जो यानी शो पीस में तो कोई भी किसी के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि जब उसके बिजनेस की अपने पे बात आती तो तब तो कोई भी नहीं, बाकी इंसान खुद अच्छा हो तो इंशाल्लाह सब भी अच्छे होते हैं। मेरी बस यही बात है कि इंसान खुद अच्छा हो तो हर कोई अच्छा होता है। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ रूपजट साहब, इंशाल्लाह ताला नाज़रीन अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।